बैंक एक ऐसी संस्था है जिस पर इंसान खुद से भी ज़्यादा यकीन करता है, पर अगर इस बैंक में ही गड़बड़ियां होने लगे यह समझ से परे है। छत्तीसगढ़ जिला सरगुजा विकासखंड बतौली के ग्राम पंचायत टेड़गा के शिवपुर गांव के राजेश गुप्ता जो एक किसान हैं, उन्होंने फरवरी 2014 में सहकारी समिति को धान बेची थी, जिसका पैसा सहकारी बैंक के खाता क्रमांक 6040170360004 पर जमा किया था। जब वह पैसा निकालने बैंक पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि खाते से 15,000 रुपये गायब है। किसान अपने स्तर पर काफ़ी प्रयास करने के बाद थक हार कर इसकी जानकारी मुझे दी। मैंने किसान राजेश गुप्ता पर एक वीडियो बनाया था। मेरा खाता कॉपरेटिव बैंक में 5-6 साल से चल रहा था, लेकिन आज अचानक मैं जब कॉपरेटिव बैंक में अपना पैसा निकालने के लिए गया तो पता चला कि वो किसी चमर साय के नाम पर चला गया है और मेरे खाते से वो पैसा निकाल रहा है। कैमरे और मीडिया में जो ताकत है उसे झुठलाया नहीं जा सकता। सर, जैसे राजेश गुप्ता के खाते से 15,000 रुपये निकल चुका है अभी तक, और संभव है धान का जो बोनस का पैसा आएगा वो भी उसी खाते पे जमा होगा। हाँ, ऐसी स्थिति में फिर इस खाते के दो मालिक बनेंगे। अब पैसा निकालने का राइट किसको होगा? अब वो क्या है, पैसे का राइट क्या होगा, पैसा जब निकालना होगा तो दोनों को बताएंगे कि आपने अपना दीजिए कि आपने कितना धान वहाँ बेचा है, आपको कितना पैसा है, आपने कितना धान बेचा है, आपको कितना पैसा है। और इसके बाद उसमें बंटवारा करने के बाद दोनों को सलाह ये करेंगे कि या तो आप अकाउंट नंबर आप कोई भी चेंज करना, क्योंकि एक ही अकाउंट नंबर से चलेगा नहीं, किसी न किसी दो को देख करना पड़ेगा। इसका अकाउंट नंबर क्या है? इसका अकाउंट नंबर 6040170364 1320.30 रुपये। और देखिए वो बैलेंस है, तो आपका पैसा फंसा था वहाँ, आपका खाता नंबर दूसरे के नाम पे होकर के पैसा निकाला गया था, फिर आपने उस पैसा को पाने के लिए क्या किया? तो मैं आपके मदद से वहाँ गया तो फिर रिकॉर्ड को खोज करके मेरा पैसा को वापस दे दिया गया और मेरा खाता को सुधार करके मेरे नाम से नया खाता बना के दिया गया। आपको पूरा पैसा मिल चुका है? हाँ, मेरे को पूरा पैसा मिल गया। इस साल जो आप धान बेचे होंगे उसका पैसा किस खाते में जमा हुआ है? उसी खाते में जमा हुआ है जो पिछले खाते में जमा था, उसी खाते में जमा है। तो आप लोगों का जो खाते का विवाद था वो सब सुलझ गया है? हाँ, सुलझ गया है। इस वीडियो को देखने वालों से मेरी अपील है कि बैंक प्रबंधक दिनेश लाल को फोन कर उन्हें धन्यवाद करें। उनका मोबाइल नंबर है 9406130875। मैं प्रकाश गुप्ता, सरगुजा छत्तीसगढ़ से, इंडिया अनहर्ड के लिए।